अब आपा जी, भोजन करने के भी अपने कई सारे नियम बताए जाते, किस साइड कहा जाता। कई बार हम भी घर में दक्षिण दिशा में भोजन करते तो मम्मी कहती भूल के मत करो, ऐसा क्यों और कौन सा सही दिशा है भोजन करने का? देखिए, भोजन करने के लिए दक्षिण दिशा में मुख करके नहीं भोजन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए दक्षिण जो है यम की दिशा होती है, ठीक है, और उधर से जो दक्षिणी ध्रुव है उधर से नकारात्मक ऊर्जा आता है। दूसरी बात है कि सूतक काल वगैरह में जो है जो भोजन किया जाता है दक्षिण दिशा के लिए जो है अलाउ है, ठीक है, अशुभ समय जो है भोजन जो किया जाता है। दूसरी चीज है, घर में भोजन जहां तहां कहीं नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। भोजन या तो रसोई में ही होना चाहिए, ठीक है, घर में कहीं भी आप जाकर के भोजन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका राहु घर में खराब हो रहा है। मतलब कोई होता ना, कोई बेडरूम में खा लिया, कोई डाइनिंग बिस्तर हॉल के में खा ऊपर रख लिया, के खा हाँ, लिया। तो भोजन जमीन पे पालथी मार के करना चाहिए और हाथ पैर धो करके बैठना चाहिए और किस दिशा और में? पूरब दिशा में मुख करके पूरब बैठना दिशा चाहिए में। और ईश्वर को जो है समर्पित करके भोजन करना चाहिए, नहीं तो वो भी अन्न दोषपूर्ण हो जाता है जो ईश्वर को बिना समर्पित किए हुए भोजन हो, ठीक है, क्योंकि ये देव ऋण होता है, जो प्रकृति के द्वारा हमको संसाधन मिला हुआ है वो ईश्वर को उनको समर्पित करके करिए और हाथ पैर एक बार धो करके बैठिए भोजन करने के लिए और पालथी मार के जमीन पे करना चाहिए। और भोजन कक्ष होना चाहिए, पश्चिम दिशा में जो होता है वो मतलब कि भोजन करने की व्यवस्था जो है पश्चिम दिशा में बीच में होना चाहिए, या तो रसोई में भोजन हो या पश्चिम दिशा में एक जगह जो है भोजन के लिए हाँ जगह स्थान डाइनिंग होना टेबल या चाहिए, फिर हाँ कुछ बस बना बस सकते हैं। जमीन पे बैठ के खाना ज्यादा अच्छा होता है यार फिर। बिल्कुल अच्छा होता है। उसका आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि हम बैठकर जब भोजन करते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से जो है भोजन को पचाने में सक्षम होता है, ठीक है, और एक स्थान निश्चित होना चाहिए, एक दिशा निश्चित है, और करने का तरीका भी यही है कि स्वच्छता से ईश्वर को समर्पित करके भोजन करने से उसका बहुत लाभ मिलता है।